फिर से भीम पे आ गया। और आरू भी उठ गया। आरू गुड मॉर्निंग बोलो, मॉर्निंग बोलो। अच्छा मॉर्निंग। और हाय गाइस। और बाय बाय। सारे एक साथ अब उठ गए। हाँ चलो अब पूजा करोगे आरू? अब पूजा करोगे? जय करोगे आप? जय कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स आज है सावन का पहला सोमवार, तो जो पीरियड होता है सावन का और इसमें शिव जी की पूजा करते हैं, तो फर्स्ट सोमवार को तो काफ़ी लोग, मतलब मैं भी फास्ट रखती थी पहले, पर अभी आरू है तो मैं फास्ट इतना नहीं कर पाती हूँ। पहले तो हम लोग, मैं और मेरी कज़न जो है शिखा, हम लोग मंदिर भी जाते थे 40 दिन के लिए लगातार और जल चढ़ाते थे शिव जी को। मम्मी ने फास्ट रखा है और मम्मी कुछ यहाँ पे फास्ट की चीज़ें खा। हेलो। चाय पी रहे, मूंगफली खा रहे तली हुई। और इसमें क्या होता है, वो कुछ कावड़ कहाँ से पानी लेकर आते हैं? जल गंगा जी से। गंगा जी कहाँ जाते हैं? हमारे यहाँ भी ना इसमें गंगा गंगा जी से जल भर के लेके शिव जी भी चढ़ाते हैं यहाँ कर। हाँ बहुत, मेरे कजन भी जाते थे और वो ऐसे मतलब किसी और चीज़ में नहीं, कावड़ पूरा अपने ऊपर लेकर आना, कंधे पे रख के लाना होता है। तो काफ़ी नॉर्थ में तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा करते हैं सावन को, ना बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आज से 4 मंडे पड़ेंगे। हाँ 4 मंडे, 4 मंडे का व्रत, उसके बाद में फिर रक्षाबंधन पड़ेगा 3 का। अच्छा 3 अगस्त का है। और आरू आप क्या बोल रहे? हाय कर दो, हाय हाय कर दो, फ्लैंजेस कर दो, फ्लैंजेस कर दो। अरे मुझे कर दे। अच्छा पकड़ रहे हो, ठीक है चल। मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बन गई है काफी देर से। आरू यहाँ पे एक और हेल्पर आया हुआ है। आरू आरू फिर से अरेंजिंग में लग गए। ये क्या कर रहे हो आप? अमेज़न से कुछ पार्सल है, उसको डेटॉल डाल के हमने सैनिटाइज कर दिया। तो फ्रेंड्स ये 5 TB की है, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये कितने की है। मैंने क्या, ये जो हार्ड डिस्क आप ली, हार्ड डिस्क मतलब मैं ऐसे समझती थी कि हार्ड डिस्क पेन ड्राइव टाइप सस्ती होती होगी, और ये हार्ड डिस्क कितने के लिए? ये अराउंड 10,000 की है, 9,600। और ये हमारे पास तीसरी चौथी हार्ड डिस्क होगी, तो इसीलिए मैंने इस बार सीधी उठा के 5 TB की ले ली ना। वैसे हम 2-2 TB की लेते हैं, वो भर जाती है, पर यहाँ डेटा डिलीट करने में अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा कि चलो 5 TB की कुछ 2-4 महीने तो चल जाएगी कम से कम। क्वालिटी भी अच्छी है ना इसका, सीगेट ठीक है। हाँ सीगेट तो ठीक ही है, अच्छी मतलब एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, बट हाँ डिसेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा 5 TB में सबसे सस्ती यही थी, इसके बाद नेक्स्ट वाली थी वो 10,000 सुन के इतनी महंगी आने लगी है। पर इसका पर GB आप प्राइस देखोगे तो कम पड़ जाएगा ना। अभी देखो 1 TB की 1 TB की 4,000 की आती है, 2 TB की 5,500 की आती है। लाइक वाइज अगर देखो 5 TB की तो 10,000-9,500 की हुई ना, तो पर GB अगर प्राइस देखोगे तो कम पड़ेगा। और एक चीज़ है कि अभी एक हमारे 2 TB की एक हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, उस दिन गिर गए नीचे और वो खराब हो गई। उसमें इतना सारा डेटा था, मेरे से ही गिरी थी। अगर फ्रेंड्स मेरे से गिरी होती ना तो पता चलता मेरे को, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। फॉर्मेट कर दूंगा तो काम करेगी, पर अगर मैं फॉर्मेट कर दूंगा तो पुराना डेटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि उसके लिए अभी भी एक किसी ना किसी एक्सपर्ट को दिखाने के लिए
देख सकते हैं, तो मैंने रखा हुआ है उसको, फॉर्मेट नहीं किया है, डेटा उसका ऑलमोस्ट जा चुकी है। फिफ्थ है ये, एक्चुअली फिफ्थ हार्ड डिस्क है। बताओ, तो भिंडी तो पहले ही बना चुकी है और अभी मैं दाल बना रही हूँ। दाल मतलब दाल मैंने बॉईल कर दी थी और अब मैं उसको तड़का बोलते हैं ना, तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मैं दाल को, जो बॉईल दाल है उसको मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। ये हमारी दाल रेडी हो गई है। और साथ में है भिंडी की सब्जी। तो एक्चुअली ज़्यादा सब्जी खाना मैंने पसंद नहीं करते हैं, या कोई भी यहाँ पे हमारे घर में दो तीन सब्जी नहीं होनी चाहिए, बस एक सब्जी दाल के साथ काफ़ी है, दाल चावल के साथ। तो वो बन चुकी है और अभी दाल भी बन गई है। और मम्मी तो एक्चुअली आज फास्ट कर रहे हैं, तो मम्मी को अपना जो फास्ट का खाना वो खाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लंच की तैयारी हो गई है, तो अभी चलो किचन से निकलते हैं। काफ़ी देर से किचन में हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, तो लंच तो हो गया था और उसके बाद अभी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली 4 o'clock ही हुए, पर फिर भी मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आरू अभी सो रहा है। तो जब आरू सो रहा होता तभी मैं अपने ज़्यादातर काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब वो उठा रहता है तो वो मुझे पूरा एंगेज करके रखता है अपने साथ अपने कामों में। तो इसलिए मैं अभी सब्ज़ी कट कर रही हूँ। यहाँ पर बीन्स की सब्ज़ी है और आलू, तो ये सारे मैं कट करके रख दूँगी और बना भी दूंगी अभी डिनर का। और बाकी दाल तो रखी है, और कोई अगर करी बनानी होगी तो विल सी। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी कट करते करते आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। और ये एक्चुअली मम्मी डैडी का कमरा है और हमारे कमरे में मीटिंग चल रही है, विनय की मीटिंग चल रही है, तो मैं इसलिए इस रूम में आ गई। और आरू भी उसी रूम में सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो मम्मी डैडी के रूम में बैठ के आप लोगों से बातें करते हैं और सब्ज़ी भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कल लाइव के वक्त ही हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों ने माइलस्टोन जो बोलेंगे, इतना बड़ा माइलस्टोन नहीं है, खैर मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है, तो हम लोगों ने अचीव कर लिया था। कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और अप्रिशिएशन की वजह से ही मैं इतने सारे वीडियोस बना पा रही हूँ और ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी विद 2000 सब्सक्राइबर्स। और मैं ये भी बोलूँगी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बेस्ट हैं, मतलब मुझे लगता है, क्योंकि मैंने और लोगों के चैनल्स देखा है जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो काफ़ी ख़राब ख़राब कमेंट करते हैं या व्यूअर्स ख़राब कमेंट करते हैं, बट मेरे चैनल पर जितने भी लोग आते हैं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं। और लाइव पे भी मैंने देखा है कि बहुत ही नॉलेजेबल बातें करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी बेस्ट ऑडियंस है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई फील लकी कि मेरे को इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है। ओके फ्रेंड्स, तो आज से सावन स्टार्ट हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे दिन माने जाते हैं साल के, और इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो एक्चुअली काफ़ी लोगों ने, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अंडा करी का रेसिपी शेयर किया था, तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि आप भी अंडा खाते हो क्या। तो मैं अंडा नहीं खाती हूँ, मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैंने खाना छोड़ दिया। बट मैं विनय के लिए और आरू के लिए बनाती हूँ, या फिर डैडी जी के लिए, जिसको खाना मैं बना सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं खाती नहीं हूँ। और मैं चिकन भी बना लेती हूँ बट मैं खाती नहीं हूँ। और एक्चुअली ये भी बात मैंने ससुराल में आगे स्टार्ट की है, क्योंकि मैं मायके में तो अगर अंडा बन भी रहा होता था तो मैं वहाँ पर जाती नहीं थी। फ्रेंड्स, शाम हो गई है और हम लोग पी रहे हैं चाय और मम्मी पूजा कर रही हैं, क्योंकि शाम को इसमें जो फास्ट होता है शाम को थोड़ा बहुत कुछ खा सकते, तो उससे पहले मम्मी पूजा कर रही है और हम लोग पी रहे हैं चाय। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है बाहर, खैर अच्छा ही हो रखा है अभी तो, और काफ़ी दिनों से, और बारिश होती रहती है और बहुत अच्छा ठंडा सा मौसम हो रखा है। और एक्चुअली आरू भाई साहब अभी भी सो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चाय ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो आरू उठ जाएगा तो चाय पीने का भी मतलब, मेरी तो चाय आजकल हमेशा ठंडी हो जाती है, बिकॉज़ आरू रहता है तो उसको फिर उठ जाता है, तो उसको गोदी में आना होता है और या फिर उसे कुछ ना कुछ काम करवाना होता है। फ्रेंड्स, तो अभी डिनर की तैयारी हो रही है, सब्जी बनाई जा रही है, और एक्चुअली मैं अभी जल्दी बना रही हूँ सब्जी, क्योंकि शाम को मुझे कुछ मतलब थोड़ी देर बाद मुझे कुछ काम है, लाइक कुछ मुझे इंटरव्यू या मीटिंग टाइप है, तो तब मैं बिजी हो जाऊँगी और आरू भी उठ जाएगा थोड़ी देर में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अभी अराउंड 6 o'clock हो रहा है और मैं डिनर का सब्जी बना रही हूँ। बना रही है बीन्स आलू की सब्जी। चाय हमने पी ली थी गरम गरम, क्योंकि आरू सो रहे थे। We'll be right back.
ना भीम, कैसे करता है भीम 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 मोटू पतलू भीम। और ये क्या है? आओ। और ये वाला बोबो बोबो। और ये लाइन कैसे करता है? लाइन लाइन कैसे करता है? हाँ कैसे करता है? और ये वाला टाइगर कैसे करता है? बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी, बता दो मुझे। बीम 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 क्यों आ जाते हो? वो तो मंकी है, वो मंकी। अच्छा ये लाइन बता दो, आपको लाइन पता है मुझे मालूम है, बताओ कुछ। ये तो बस है। और ये क्या है? ये क्या है? बॉल। यस बॉल। अरे इधर देखो, भीम भीम भी दिखता है आपको, घूम फिर के भीम पे आया। सबसे बड़ा भीम है तो ये बड़ा बड़ा भीम है, छोटा भीम का ये बड़ा भीम। फिर से भीम पे आ गया। कार चला लो, आपकी कार है। फ्रेंड्स ये था हमारा जो सावन का बोलते हैं ना फर्स्ट सोमवार, ये हमारा आज था। अभी भी हम लोग एक्चुअली शाम को भी पूजा करेंगे। एक बार मम्मी ने पूजा कर ली है, जब मम्मी को फास्ट का वो कुछ खाना था तो मम्मी ने पूजा कर ली थी। अभी मैं दोबारा पूजा करूँगी और उसके बाद मुझे करना है इंटरव्यू। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और मेरी तरफ से खूब सारे विशेस सावन के, आप लोगों का बहुत अच्छा रहे ये महीना, ये साल, सब कुछ। तो जो लकीनेस लेकर आता है ये महीना आप लोगों के लिए लेकर आए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। और अभी हमारी वॉकिंग ख़त्म हो गई है, और पर आरू तो कार चला रहा है तो वो चलाना चाहता है, अभी भी वो रो रहा है, उसे कार चलानी है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी जहाँ पर मैंने लॉकडाउन के बाद पहली बार शॉपिंग करी है। तो आई विल सी यू देयर। बहुत हो गया, अंधेरा हो गया बेटा, कार चला रहे हो आप। चलो अब घर चलो, बाय।